फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 33 रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी चैनल में एक प्रॉब्लम आया है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी चैनल का जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आता है, तो बहुत सी कंप्लेन आई है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो यूट्यूब प्लीज इसको भी ध्यान में रखिए। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल चालू की है, टेलीग्राम पे 33 रेसिपी सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगी। और मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया है, आप लिंक से ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, मैं आपको टेलीग्राम पे भी नोटिफिकेशन देती रहूंगी, तो आपको तुरंत ही मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है उसकी वजह से मेरे व्यू बहुत ही कम हो गए हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, हेल्प कीजिए मेरी, आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए मेरे वीडियोस और लिंक, प्लीज ज्वाइन कीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है स्वीट कॉर्न ढोकला, जो हम बनाएंगे सूजी से। बिल्कुल झंझट नहीं है, हमें इसमें कोई चीज भिगानी नहीं है, या तो हमें कोई आगे से कोई प्रिपरेशन नहीं करना है। इंस्टेंट बन जाएगा, झटपट से बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी है। तो आइए बनाते हैं स्वीट कॉर्न ढोकला। तो फ्रेंड्स, स्वीट कॉर्न ढोकला बना रहे हैं इसीलिए हमने लिया है 1 कप भर के स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न के साथ लेना है हमें 1 कप सूजी, और सूजी को भिगोने के लिए लेना है दही। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके साथ लेना है बहुत सारे मसाले, जिसके अंदर हरी मिर्च है, मोटी वाली हरी मिर्च है जो कम तीखी है, इसलिए मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली है। 8 से 10 लहसुन की कली है, बहुत सारा धनिया है, नमक है, शुगर है और फ्रूट सॉल्ट है। साथ ही में सूखा मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा है और ऑयल है। तो हम सबसे पहले सूजी को भिगोएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बर्तन में हम सूजी लेंगे और सूजी को साथ ही में भिगोएंगे दही के साथ। तो हमने 1 कप जितना खट्टा वाला दही यूज किया है और उतना ही थोड़ा पानी यूज करेंगे साथ ही में, 1 कप जितना पानी। तो बहुत ज्यादा हम पानी नहीं ऐड करेंगे पहले से ही, क्योंकि हमें ये ढोकला का बैटर जो है वो हमें गाढ़ा रखना है। तो 1 कप दही, 1 कप पानी, और उसे हम मिक्स करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। बस 10 मिनट पहले ही आप सूजी को भिगो दीजिए और 10 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी और हमारा ढोकला जो है वो प्रिपेयर होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने पानी, दही और सूजी को, और अभी इसे हम साइड में छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक हम बाकी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले हम एक मिक्सर जार में स्वीट कॉर्न की पेस्ट करेंगे। हम स्वीट कॉर्न को पूरा ही पीस लेते हैं, लेकिन बिना पानी के साथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे स्वीट कॉर्न की पेस्ट होके रेडी हो गई है। अभी इसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को तोड़ के मैं ऐड कर देती हूँ ताकि जल्दी से पीस जाए, और लहसुन। लहसुन और हरी मिर्च के साथ हम पेस्ट को वापस से स्मूथ बना देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा सूजी जो है वो अच्छे से 10 मिनट में फूल गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सूजी जो है वो फूल गया है, और इसके अंदर अभी हमने ऐड नहीं किया है कुछ। तो साथ ही में ऐड कर देते हैं हम स्वीट कॉर्न की पेस्ट, स्वीट कॉर्न, अदरक और लहसुन की, सॉरी, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट जो हमने प्रिपेयर की है। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि हम जब भी ढोकला रखें तो हमारा जो ढोकला स्टीम करने के लिए जो पानी है वो अच्छे से गर्म रहे और तुरंत ही बॉईल होने लगे, तुरंत ही कुक होने लगे हमारा ढोकला।
तो ये सारी पेस्ट हमने इसके अंदर डाल दी है। साथ ही में ऐड कर देंगे हम धनिया, नमक और एक चम्मच जितना शुगर लिया है, तो ये सारी चीजें भी हम ऐड कर देते हैं। साथ ही में ऐड करना है हमें हल्का सा हल्दी, हल्दी हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच जितना ही, हल्का सा ही, और एक चम्मच जितना हम जीरा ऐड कर दे रहे हैं। ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर जरूरत लगी तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा गाढ़ा है, हम थोड़ा सा लिक्विड करेंगे बैटर को। तो हम मिक्सर जार को थोड़ा सा वॉश करेंगे, अराउंड 3 चम्मच जितना पानी हमने ऐड किया है, और अच्छे से मिक्सर जार का वॉश करके हम पानी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, घुल गई है, तो इसे अभी हम प्रिपेयर करेंगे स्टीम करने के लिए थाली के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम थाली को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, आधा आधा चम्मच जितना ऑयल ऐड करके थाली को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। और फाइनली जब भी हमारा जो पानी हमने गरम रखा है वो भी अच्छे से उबलने लगे, तभी इसके अंदर हमें ऐड करना है फ्रूट सॉल्ट, ताकि जो हमारा पानी जो गरम रखा है तो तुरंत ही कुक होना चालू हो जाए। हम जब भी थाली के अंदर पोर करेंगे बैटर और स्टीम करने के लिए रखेंगे तो तुरंत ही कुक होना चालू हो जाए, उसके अंदर जो फ्रूट सॉल्ट की वजह से उभर आया है वो बैठ ना जाए वापस। एक चम्मच जितना ऑयल हम ऐड करेंगे बैटर के अंदर, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम फ्रूट सॉल्ट ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से मिक्स कर दिया है, लास्ट में ऐड कर देंगे हम फ्रूट सॉल्ट। फ्रूट सॉल्ट ऐड करके अच्छे से हमें इसे मिलाना है, और जैसे ही हर एक जगह पे अच्छे से उभार आ जाए, फ्रूट सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसको थाली के अंदर पोर कर देंगे और तुरंत ही रख देंगे स्टीमर में। फ्रेंड्स, 2 थाली में मैं अभी ऐड कर रही हूं। और दोनों थाली को एक ही साथ में स्टीमर के अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास एक एक थाली का स्टीमर है तो वो हिसाब से आप एक एक बैच में ही फ्रूट सॉल्ट ऐड कीजिए, और धीरे धीरे करके आप इसे स्टीम कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हैं हमारी, इसके ऊपर हम हल्का हल्का स्प्रिंकल कर देंगे लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा पाउडर, ताकि इसको लुक बहुत ही अच्छा मिले। तो फ्रेंड्स, मैं कढ़ाई के अंदर ऐड कर रही हूँ अभी, तो कढ़ाई के अंदर मैं स्टैंड लगा दिया है, स्टैंड के ऊपर मैं एक थाली रख रही हूँ, और दूसरी थाली रखने के लिए मैं बीच में चिमटा रखती हूँ, और चिमटे के ऊपर मेरी दूसरी थाली में रख देती हूँ, और फिर वापस मैं कवर कर लेती हूँ। अराउंड 10 मिनट में मेरा ये ढोकला रेडी हो जाएगा स्टीम। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गई हैं, एक बार हम खोल के देख लेते हैं, हमारा जो ढोकला है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। एकदम अच्छे से कुक हो गया है ढोकला, तो हम प्लेट्स को बाहर निकालते हैं। और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम रेडी करते हैं इसके ऊपर देने वाला तड़का।
फ्रेंड्स, दो प्लेट में तड़के के लिए हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच जितना ऑयल और एक बार ऑयल गरम होता है उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे राई और जीरा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ऑयल गरम होता है इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच जितना राई और राई चटकने के बाद ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना जीरा। ऐड कर देते हैं जीरा और जीरा ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और तुरंत ही ऐड करेंगे हम हिंग। तो फ्रेंड्स, ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। इसे अभी हम स्प्रेड करेंगे ढोकला के ऊपर। तो चम्मच की मदद से हम ढोकला के ऊपर स्प्रेड करते हैं पूरा तड़का। हर एक जगह पे अच्छे से तड़का का टेस्ट जो है वो पहुंचना चाहिए। आप इसमें ऑयल कम यूज करना चाहते हैं तो कम ऑयल में भी आप तड़का रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया है रेडी हमारा ढोकला। इसे अभी हम अच्छे से कट करेंगे और कट करने के बाद हल्का सा ठंडा होने के बाद हम प्लेट में से निकालेंगे ताकि जो ढोकला है वो प्रॉपर प्लेट से छूट सके। तो फ्रेंड्स, ठंडा होने के बाद हम प्लेट में से इसे निकालते हैं और सर्व करते हैं। बहुत ही मस्त सॉफ्ट ऐसा ये ढोकला रेडी है। आपको मैं दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जाली हुई है और बहुत ही सॉफ्ट दिख रहा है हमारा ढोकला भी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्वीट कॉर्न ढोकला रेडी है। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गया है हमारा झटपट से बनने वाला इंस्टेंट स्वीट कॉर्न ढोकला। बहुत ही मजा आएगा बारिश में खाने का। बारिश और स्वीट कॉर्न को तो भूल ही नहीं सकते, इसीलिए जरूर बनाइएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे प्लीज आपके एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए मेरा चैनल प्रैक्टिस रेसिपी। और हाँ, मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।